हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सपोनेंट के ऊपर। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन फैक्टोरियल 100। आपको क्या करना है, 15 का एक्सपोनेंट निकालना है फैक्टोरियल 100 में। आप देखिए, 15 ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 जो आपका जो है ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 15 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, 15 1 से भी डिविजिबल हो रहा है, 15 15 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो प्राइम नंबर जो क्या होते हैं, जो एग्जैक्टली 1 और अपने आप से डिविजिबल हो, तो 15 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, हम लोग जो फार्मूला देखते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन, एन बाई पी का बिग ब्रेकेट प्लस एन बाई पी स्क्वायर का भी ब्रेकेट प्लस एन बाई पी क्यूब का भी ब्रेकेट, और ये डाटा कहां से जाता है, एन बाई पी की पावर एस का भी ब्रेकेट। और एस हम लोग कैसे निकालते हैं, यहां एन लिख लेते हैं और यहां पी और इधर भी पी। पी का वो पावर खोजने की कोशिश करते हैं कि जिस जो पावर इसके n के क्लोजेस्ट ले जाता है, उसके इक्वल भी चल जाएगा, लेकिन इसका पावर s प्लस 1 जो किया जाए वो क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, वही s की वैल्यू हो जाती है। तो यानी किसी भी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट हमको फैक्टोरियल में निकालना पता है, लेकिन हमने इसके अलावा और नहीं जाना। तो 15 जो है, 15 ये किसी नंबर में कब आता है, 15 क्या है, प्राइम नंबर के रूप में आप लिखें 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, तो ये क्या होगा, 3 × 5, यानी 1 3 और 1 5 कहीं पे मल्टीप्लाई होके तब 15 बनाते हैं। यानी 15 मल्टीप्ली कैसे आएगा, 15 होने के लिए क्या चाहिए, 1 5 होना चाहिए नंबर और 1 3 होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, तो आपका 1 15 तैयार हो जाएगा। तो हम एक्सपोनेंट ऑफ 3 और एक्सपोनेंट ऑफ 5 इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। अब हम 3 और 5 के पावर देख लेंगे कि कितना वहां मल्टीप्लीकेशन में 3 बार है और कितना 5 बार है, ये निकालते हैं पहले। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100, तो ये क्या हो जाएगा, 100/3 का भी ब्रैकेट प्लस 100/3 स्क्वायर का ब्रैकेट प्लस 100/3 क्यूब का ब्रैकेट। एस कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए, तो एस की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पे एन लिख लेते हैं, एन की वैल्यू क्या है, 100, एन की वैल्यू 100 है। पी की वैल्यू कितनी है, 3, पी इधर दोनों साइड लिख लेते हैं, ये पी है। अब क्या करते हैं, इसका पावर उतना करते हैं कि वो 100 के नियरेस्ट हो, यानी 3 की पावर 3 अगर करेंगे तो 27, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81, और 3 की पावर 5 करेंगे तो 243, यानी 3 की पावर अगर 4 किया जाए तो 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 81 आएगा। तो ये क्लोजेस्ट है, इसके बाद अगर इसकी इसके पावर 4+1 कर दिया जाए 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, 243, तो वो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो हमको तो वही तो यस चाहिए कि एस प्लस वन करने पर क्या हो जाए, वो नंबर इससे बड़ा हो जाए, और एस क्या हो, लार्जेस्ट वैल्यू जो पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, एस की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 4 आ गई। तो ऐसे इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। या तो 100/3 की पावर 4 यही स्टार्ट कर जाइए। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो गया, ये 100/3, यानी ये 33.3 का बिग ब्रैकेट प्लस 100/9 11.1 लगभग आ गया, ये 100/27 तो ये 100 को डिवाइड करेंगे आप 27 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, ये 81 हो गया, ये 19, यहाँ दशमलव हो गया, ये 0, और फिर 6 3.6, क्योंकि आगे ज्यादा मतलब नहीं है, पॉइंट के एक अंक आप निकाल लीजिए उसके ज्यादा मतलब नहीं है, ये 100/3
ये 100 अपॉन 81 है, तो 100 को आप 81 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा तो 81 और ये 19, फिर पॉइंट, फिर 2, 1.2। ये क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, इंटीजर पार्ट देगा केवल, ये फ्रैक्शन पार्ट 0.3 है ये खा लेगा, तो यहाँ से 33 आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 11 आएगा, यहाँ से क्या बाहर करेगा न्यूमरेटर 3, और ये 1.2 है यानी 1 + 0.2, तो यहाँ से 1 बाहर करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 33, 36, 37 और 37 और 11 48, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100 आपका क्या आ गया 48, यानी 100 के फैक्टोरियल में 3 के पावर कितना आ रहा है 48। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट का 5 निकालेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ 3 हम लोगों ने निकाल लिया, एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100, ये क्या हो गया 100 अपॉन 5 का भी ब्रैकेट प्लस 100 अपॉन 5 का स्क्वायर का भी ब्रैकेट प्लस 100 अपॉन, अब यहाँ s की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने पावर तक हमको जाना है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे n लिखते हैं और दोनों साइड में p लिखते हैं, n यानी 100 है और p क्या है 5 है, इधर भी 5 लिखते हैं, तो 5 का वो मैक्सिमम पावर ढूंढते हैं जो जिसकी वैल्यू क्या है 100 से छोटा है और उसका एक और पावर बढ़ाने पर वो 100 से ज्यादा हो जाए, तो 5 के पावर अगर 2 है तो 25 हो गया, 5 के पावर 3 करेंगे तो 125 हो जाएगा, यानी 5 के पावर 2 यहाँ रहेगा और यहाँ 5 के पावर 2 प्लस 1 करने पे ये देखिए 5 के पावर 3 125 भी आपका 100 से बड़ा हो गया और 100 इससे बड़ा है, तो यहाँ से हम लोगों की s की वैल्यू क्या आ गई, s की वैल्यू आ गई 2, यानी हमको कितने पावर तक जाना है 2 पावर, अगर 3 पावर भी आपने गलती से लिख दिया तो इसको देख लीजिए ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन 125 और ये 0. समथिंग आएगा तो इसका भी ब्रैकेट क्या हो जाएगा 0, तो आप अगर ये लिख भी देते हैं तो उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन ज्यादा लिख देंगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन अगर कम लिखेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए एस निकाल लिया करिए, तो ये आपका आगे क्या होगा 100/5 यानी 20 का भी ब्रैकेट और 100/25 यानी 4 का भी ब्रैकेट, तो अब इंटीजर पार्ट देता है, इटरेटिव इंटीजर फंक्शन है तो इसमें फ्रैक्शन पार्ट है ही नहीं, तो खा लेगा वो फ्रैक्शन पार्ट, खाने को कुछ नहीं पाएगा, तो इंटीजर पार्ट को बाहर करना ही है, ये 20 हो गया और ये 4 हो गया, ये क्या आ गया 24, यानी हमारा जो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100 है ये क्या है 24 है और एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100 क्या है 48 है, यानी जो फैक्टोरियल 100 हमारा जो नंबर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर कितना है 3 के पावर 48 इंटू 5 के पावर क्या है 24 इंटू, और भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 7 के पावर जो आएगा फिर 11, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको क्या है 3 और 5 के पावर से मतलब है, बाकी से मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि हमको 15 का एक्सपोनेंट देखना है, हमको 15 कहां से मिलेगा 8 3 और 8 5 मिलके 8 15 बनाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर क्या करें 48 को क्या लिखते हैं 24 + 24 यानी 3 के पावर 24 इंटू 3 के पावर 24 बात तो वही है 3 के पावर 48 इंटू 5 के पावर 24 को हमने क्या कर लिया 1 साथ ही मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया और ये बाकी बचे नंबर ऐसे लिखे हैं, फिर क्या हो गया ये 3 इंटू 5 के पावर 24 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको ये 3 के पावर, ये 3 इंटू 5 के होल पावर 24 इंटू 3 के पावर 24 मल्टीप्लाई बाई एन एथ नंबर जिससे आपको मतलब नहीं है क्योंकि वो 15 नहीं बनाएगा, तो ये आपका ये क्या हो गया आपका ये 15 के पावर 24 मल्टीप्लाइड बाई एन अदर नंबर जो अभी 15 नहीं बनाएगा, तो 15 का एक्सपोनेंट कितना आ गया 24, तो एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन फैक्टोरियल 100 इज इक्वल टू 24।
तो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन निकालना आपको पता है, तो प्राइम नंबर आपको ना दिया हो तब भी क्या करेंगे, जो नंबर का एक्सपोनेंट निकालना है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने नंबर आ रहे हैं सारे का एक्सपोनेंट निकालेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि वो सारे एक एक मिलके एक वो नंबर बना रहे हैं जिसका एक्सपोनेंट निकालना है, तो कितने जो है इकट्ठा हो जाएंगे, बस उतना ही उसका एक्सपोनेंट होगा। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 33। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर आपका कोई हो उसके फैक्टोरियल n में निकालना है एक्सपोनेंट, तो क्या करते हैं n by p का भी ब्रैकेट, n by p स्क्वायर का भी ब्रैकेट, n by p क्यूब का भी ब्रैकेट, और ये कब तक चलता रहता है, एक नंबर आता है आपका p की पावर s, p की पावर ये क्या है s है, और s की वैल्यू कैसे निकलती है, आप यहाँ पे n लिख लेते हैं, इधर भी p लिख लेते हैं, इधर भी p लिख लेते हैं, p के पावर वो सबसे ज्यादा करते हैं जो n से छोटा या n के बड़ा नंबर आए, तो ये हो गया p के पावर s, और p के पावर s प्लस वन करने पर क्या होना चाहिए, ये नंबर इससे बड़ा आना चाहिए और ये नंबर इससे छोटा और इसके इक्वल भी हो सकता है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 6 निकालना है आपको, एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 33 का फैक्टोरियल, तो 6 नॉट ए प्राइम नंबर, छह प्राइम नंबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे ये फार्मूला तो 6 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या होगा 2 × 3, यानी एक 6 कहीं मल्टीप्लीकेशन में अगर आ रहा है तो वहां पे 1, 2 और 1, 3 मल्टीप्लीकेशन में भी होगा, यानी कहीं भी अगर 1, 2 और 1, 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो समझ लो वहां पे 1, 6 मल्टीप्लीकेशन में है, यानी 2 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, तो वहां 6 के पावर 1 होगा, तो हम एक्सपोनेंट ऑफ 2 और एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकालेंगे, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 33 ये क्या हो जाएगा, पहले आप s की वैल्यू कैलकुलेट करें, n की वैल्यू क्या है n लिखते हैं, फिर p लिखते हैं, फिर p लिखते हैं, n की वैल्यू क्या है 33, p की वैल्यू क्या है 2, अब 2 के पावर करिए, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32 और 2 के पावर 6 64, तो 2 के पावर अगर 5 यहां पे कर दें तो 5 प्लस 1 करने पर ये नंबर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, 2 के पावर 6 कितना हुआ 64 हो जाएगा, और ये क्या होगा 32, तो ये नंबर छोटा है, तो यहां से हम लोगों का जो s का वैल्यू आ गया, s की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी हमको क्या करना है कितने पावर तक जाना है 33/2 का फैक्टोरियल प्लस 33/2 के पावर 2 का फैक्टोरियल सॉरी 2 का पावर 2 का विद ब्रैकेट 33/2 के 2 के पावर 3 का ब्रेकेट 33/2 के पावर 4 का भी ब्रेकेट 33/2 के पावर 5 का भी ब्रेकेट, यहाँ पे गाइड में स्टॉप हो गई, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 33/2, ये 16 point something, अब डायरेक्टली मैं लिखता हूँ ये 16 point something, तो भी ब्रेकेट क्या करेगा सीधा सीधा 16 बाहर कर देगा, ये क्या है 4 33/4, ये क्या हो गया 7 point something, तो ये बिग ब्रैकेट क्या करेगा 7 बाहर कर देगा इंटीजर बाहर, ये 33/8 तो ये 4 point something, तो बिग ब्रैकेट क्या करेगा 4 बाहर कर देगा, ये 33/16 तो ये दो बार जा रहा है पूरा पूरा, 2 point something, तो बिग ब्रैकेट 2 बाहर कर देगा, ये 32 लिखा है तो एक बार जाएगा 1 point something, तो बिग ब्रैकेट क्या करेगा 1 बाहर कर देगा, 4 × 6 = 7 = 14 और 16 × 14 हो गया 30, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 33 क्या आ गया एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 33 ये आपका आ गया
30। फिर क्या करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकाल लेते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकाल लेते हैं इन फैक्टोरियल 33। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 33। तो फिर वही फार्मूला, यहाँ पे s निकाले हम लोग, तो s निकालने के लिए क्या लिखते हैं, n लिखते हैं इधर, और इधर भी, इधर p दोनों साइड लिखते हैं। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ, 33 है, p की वैल्यू क्या है, 3 है। अब 3 के पावर मान लीजिए 3 करते हैं तो 27 होता है, और 3 के पावर 4 करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 81। यानी 3 के पावर 3 ये, और 3 प्लस 1 करने पे ये नंबर बड़ा आ जा रहा है। तो ये आपका s की वैल्यू आपकी क्या होगी, s इक्वल टू 3। यानी कितने पावर तक आप जाएंगे, 3 तक जाएंगे। यानी 33 अपॉन 3 का बिग ब्रेकेट, 33 अपॉन 3 के स्क्वायर का बिग ब्रेकेट, प्लस 33 अपॉन 3 के क्यूब का बिग ब्रेकेट, यहीं पे स्टार हो जाएंगे। तो ये आगे क्या हो जाएगा, ये 11 सीधा सीधा आ गया बाहर, 11 पूरा आ रहा है, इंटीजर दिया तो इंटीजर देगा। ये 9, ये 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 3 हो गया, और ये 27 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 1 हो गया, ये कितना आ गया, 15। अब आप देखिए कि एक्सपोनेंट ऑफ 3 क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ 3 क्या है, ये 15 है, और एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या है, ये 30 है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो फैक्टोरियल 33 जो नंबर है, इसको जब ओपन करके आप प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर मैक्सिमम कितना आएगा, 30 आएगा, इंटू 3 के पावर कितना आएगा, 15 आएगा, इंटू फिर 7 के पावर समथिंग, फिर 11 के पावर समथिंग, ऐसे चलता रहेगा। तो आपको क्या मतलब है, 6 का एक्सपोनेंट चाहिए, तो 6 कब बनेगा, 1 2 और 1 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। तो कितने 6 यहाँ पे बन सकते हैं, तो 2 के पावर 30 ज्यादा है, तो 2 के पावर 30 को हम क्या करेंगे, इसके 3 के पावर के इक्वल बना लेंगे। तो ये क्या होगा, इक्वल बनाने के बाद 2 के पावर 30 को 2 के पावर 15 इधर लिख दिया, तो 2 के पावर 15 और इधर बच गया, इससे मतलब नहीं, 7 ये फिर 11 के पावर, फिर और नंबर ऐसा आएगा। ठीक, अब 2 के पावर 15 इंटू 3 के पावर 15, ये क्या हो जाएगा, 6 के पावर 15। ये क्या होता है कि मान लीजिए आपका a के पावर m है इंटू b के पावर m, तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, a इंटू b के होल पावर m। तो ये 2 इंटू 3 के पावर, यानी 6 के पावर 15 हो गया, इंटू 2 के पावर 15 इंटू 7 के पावर, ये नंबर आपका हो गया। तो आप ये देखिए जो फैक्टोरियल 33 जो नंबर है, इसमें 6 का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 15 है। यानी एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 33 इक्वल टू क्या आ गया, 15। यानी 6 के पावर कितना आएगा, 15। अब ये 2 के पावर 30 है, लेकिन सारे 2 नहीं बना पाएंगे 6, क्योंकि 2 को बनाने के लिए 6 एक 3 चाहिए, हर एक 2 को एक 3 चाहिए, तो 3 के और 15 बार है, तो 15 बार ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा, और जो बाकी बचे 2 रहेंगे वो क्या करेंगे, वो 6 तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि 6 तभी बनेगा जब 3 मिलेगा। तो यानी 6 का एक्सपोनेंट कितना है, 15। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं है उसका भी एक्सपोनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। प्राइम का क्या करेंगे, जो नंबर दिया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो सारे प्राइम नंबर मल्टीपल में आ रहे हैं उनके एक्सपोनेंट अलग अलग निकालेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे वो कि वो कितने कलेक्ट होके वो नंबर बना रहे हैं। तो इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।